क्या कर रहा है भाई? बैग ढूंढ रहा हूँ बे। हाँ लंबी हाइट का फायदा, टेबल लेने नहीं जाना पड़ता। अरे क्या बात है, हमारे घर पे उधर झाले बहुत हो रहे हैं, काम आएगा। राम राम साहब। कैम सो मजा मा। तो सडनली हम लोग कहीं जा रहे हैं, मतलब कुछ डिसाइड ही नहीं था सुबह तक। सुबह तक कुछ भी डिसाइड ही नहीं था, लेकिन अब हम जा रहे हैं फाइनली। और पैकिंग वैकिंग सब हो गई है, बस अभी बस के लिए जा रहे हैं। तो ऐसे रास्ते में बहुत ट्रैफिक है, मिलते हैं आराम से, बात करते हैं। बैग मिल गए टिकट्स? हाँ मिल गए। क्या बात क्या कर रहा था तू? अरे भाई बस की, वो बोल रहा था कि दो बस है, एक इधर से जाएगी एक उधर से जाएगी। नहीं नहीं भाई, अभी जो है अभी वो जो, हाँ अभी जो है वो देना फटाफट में दे तू, तो अभी तो जल्दी आएगी, इतना कौन खड़ा रहेगा इधर। तो फाइनली मैं जिस चीज के लिए यहाँ आया था, एक्चुअली घूमने आया था, वो मैं घूमा हूँ। बहुत खाया भी है, बहुत मस्ती भी करी है, लेकिन जो एक और मिशन था मेरा यहाँ आने का वो अब पूरा हो गया है फाइनली। तो फाइनली मैं लेके जा रहा हूँ रोहन को यहाँ से वापस अपने साथ अपने घर भिलवाड़ा। शायद मैं पहला होगा जो राजस्थान जा रहा है गुजरात से, और वो माउंट आबू और उदयपुर नहीं जा रहा। अभी क्यों वो समझ गए होंगे जो गुजरात से। हाँ अभी आगे से कहते हैं ना कुछ खाने के लिए, बस में चाहिए। हाँ वैसे भी खाना तो बहुत चाहिए, हम खाना तो चाहिए। वैसे आज इसका पूरा गुजरात का टूर ख़त्म कर गया, पूरा तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट सब खाना आ गया आज। आज के लिए ढोकला बाकी था, वो भी कर दिया ख़त्म। कोई नहीं, अभी काफ़ी चीज़ें बाकी रह गई है, पर ठीक है नेक्स्ट टाइम। नहीं नहीं, मेन पॉइंट अभी मैं ये बोलने वाला हूँ, जो गुजराती नहीं है उनको मैं क्लियरली बोल देता हूँ, ढोकला खमन अलग चीज़ है, कभी आओ गुजरात में तब मालूम पड़ेगा। ढोकला को खमन मत बोला करो, रिक्वेस्ट है। ये लेना मेरे बैग, इसको आगे ले ले। कौन सी सीट है पार? नीचे वाली है, नीचे वाली है। बस तो हम आ गए और सीट पकड़ ली है बस में, पकड़नी थी ना तो कोई और पकड़ लेता। तो अब वैसे थोड़ा सा बोरिंग सा हो रहा है, तो अब हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ बोरिंग तो कैसे है, कुछ करेंगे कुछ। हाँ इसीलिए वही तो सोच रहे हैं हम लोग, लेकिन इतना नहीं करना कि बस वाले सबको बाहर निकाल दे। सबको नहीं, हमको, सब बस वाले हमको बाहर निकाल। एग्जैक्टली, तो कुछ ऐसा सोच समझ के करना पड़ेगा कि ज़्यादा मस्ती ना करें हम लोग, तो शायद कुछ मूवी वगैरह या फिर कुछ फन हम लोग करेंगे ही। और बाकी ये तो बेस्ट बालाजी, बालाजी श्री मननीय बेस्ट है। बस ऐसे ही अभी ब्रेक है, तो खड़े हैं अभी आके नाश्ता वास्ता करेंगे। हैप्पी फिश है, डोंट टेक इट रॉन्ग, बोलना पड़ता है। तो मूवी देख रहे थे, कैसी लगी तेरे को लवली बॉय? अभी तक जितनी देखी है काफ़ी अच्छी है, आई विल सजेस्ट सबको देखनी चाहिए, मतलब बहुत कॉमेडी है, बहुत अच्छी मूवी है। अब बस थोड़ा सा एंडिंग बाकी है, वो देखते हैं तो कैसी होती है। नाश्ता पास्ता तो है, बिल्कुल है, ये है, ये है, और भी अंदर थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है। हाँ अभी कुछ गडरा तक पहुँच गए सामला जी से, आगे सामला जी बॉर्डर क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट हमने। हाँ चलो अच्छा है, पहुँच जाए सुबह 7 बजे तक ऑलमोस्ट हम लोग उधर होंगे। चलो अच्छा है भाई, मिलते हैं आपसे उधर ही। हाँ तो हम आ गए हैं भिलवाड़ा फाइनली, मैं अपने घर और रोहन को अपने घर लेके आया हम अपने साथ। तो उसके बाद हमने मूवी देखी बस में बैठ के, और बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे, फिर सो गए थोड़ी देर। सुबह फिर 7:30-8 बजे तक हम लोग यहाँ पहुँचे थे। आना थोड़ा जल्दी था बस को, लेकिन काफ़ी कुछ थोड़ी बस में चेकिंग वगैरह होने लगी और थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था बस में, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गए थे, पर ठीक है।
सुबह ऐसे क्या खाया रोहन तूने बता तो जरा। प्याज कचौड़ी क्या मस्त थी भाई, सुबह प्याज की कचौड़ी खिलाई रोहन को मैंने, ऐसे आज एक खिलाई है, दो तीन दिन अलग अलग कचौड़ी समोसा ये सब अलग अलग खिलाने वाला हूँ। सब ट्राई करेंगे, आपको भी दिखाएंगे कुछ। बिल्कुल ऐसे अकेले अकेले थोड़ी खाएंगे। नहीं नहीं अकेले खाने थोड़ी आए हम, और ना अकेले खाने आए हैं और ना खाएंगे, आप सबको दिखाएंगे लेकिन खाएंगे हम लोग सिर्फ सिर्फ जलाएंगे आपको ऐसा बोलते हैं। ओके जलाएंगे वो थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग, तो देखते हैं अभी क्या करते हैं अपन। कुछ तो करेंगे, शायद कहीं घूमेंगे थोड़ा बाहर, मार्केट वगैरह देखेंगे, दिखाऊंगा रोहन को मार्केट। तो कहीं जाने से पहले एक बात कहनी थी आप लोगों से, मतलब हम लोग जो ये सब शूट वगैरह कर रहे हैं इसका ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन बस हम लोग जस्ट एक ग्रिप पकड़ना चाह रहे हैं, जब हम लोग बाहर जाएंगे, बाहर की कंट्री में जाएंगे उधर व्लॉग करेंगे, बाहर की कंट्री दिखाएंगे कुछ चीज़ें कैसे हम मैनेज करते हैं, कॉलेजेस रीओपन होंगे, हॉस्टल लाइफ, कॉलेज कैसे क्या सब कुछ होता है, तो बस उसी के लिए भी है जस्ट हैविंग ए ग्रिप कि हमें पता पड़ जाए कि कैसे क्या करना होता है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं कि हम लोग ये सब घूम रहे हैं तो ऐसे सब कुछ दिखाएं, ये तो सिर्फ ऐसे दिखा रहे हैं कि बस ये ग्रिप के लिए थोड़ा सा पता पड़ जाए कि कैसे क्या होता है सब कुछ है। और आप लोगों से कनेक्ट अभी से होने लग जाए हम लोग, ताकि हमें बाद में इतनी प्रॉब्लम ना आए, इसलिए और कुछ भी नहीं है। एक कुत्ते बाद में भोग लेना, अभी बात चल रही है। सुखवाल मिष्ठान भंडार जो कि भिलवाड़ा का बहुत ही फेमस है, लाइक यहाँ पे लोग दूध जलेबी खाने बहुत ज़्यादा आते हैं ठंडी के टाइम पे, और काफ़ी टेस्टी होती है, जिसकी हम लोगों ने जलेबी ली है तो अभी खाएंगे हम लोग। हाँ तो इस व्लॉग को अभी इधर ही ख़त्म करेंगे, दो दिन से चल रहा है, कुछ खास शूट भी नहीं किया वैसे, क्लासेस वगैरह क्लासेस वगैरह में बिजी हो गए थे थोड़ा, तो इस वजह से कर नहीं पाए थे। और कल हम लोग गए थे बाहर, जलेबी खिलाई थी रोहन को मैंने, यहाँ की बहुत फेमस मस्त थी जलेबी। और उसके बाद इसके फ्रेंड के वहाँ गए थे तो उधर बातचीत कर रहे थे, फिर 7 बजे तो उधर से लॉकडाउन लग गया था, 7 बजे तो लॉकडाउन हो गया तो कुछ खास कर नहीं पाए। उसके बाद इधर आए, खाया पिया, फिर मूवी देख रहे थे, फिर तो सोना ही था। मिलते हैं बहुत ही जल्दी कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अलविदा। ये रही ना, हेलो गाइस, इतना काट कूट करना पड़ेगा, अलग अलग खिलाने वाला हूँ, कचौड़ी फिर समोसा आलू बड़ा ये वो, क्योंकि मेन रीज़न क्या है, हम आए खाने पैदा ही खाने के लिए।